Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो मोहम्मद शहाबुद्दीन की हुई है क्योंकि कोर्ट के द्वारा उनके गांव पर जो जनाजा है उनका ले जाने का इजाज़त नहीं मिल पाया। तो बिहार के सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को अंतिम जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में किया गया है। जी हाँ, बात करें तो बिहार में सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार सिवान के प्रतापपुर में नहीं हो पाया। कोर्ट ने 100 गाँव ले जाने से इजाज़त नहीं दी, इसकी वजह से मोहम्मद शहाबुद्दीन दिल्ली के शाहीन बाग में होंगे, सुपुर्द खाक हो चुके हैं जिसकी संभावना जताई जा रही थी। हालांकि शव को गांव ले जाने के लिए परिजन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे थे। बता दें कि बिहार के सिवान के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का शनिवार की सुबह कोरोना से निधन हो गया था। इसकी पुष्टि कई घंटों के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने की थी। गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन को कोरोना संक्रमण के बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। दिल्ली कोर्ट ने कोरोना से संक्रमित होने के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को चिकित्सीय निगरानी और समुचित इलाज मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था। बता दें कि पिछले साल सितंबर में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिता शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह 90 वर्ष का निधन हो गया था। उस वक्त तिहाड़ से शहाबुद्दीन को पेरोल पर लाने की मंजूरी नहीं मिली थी। हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले चल रहे थे। 15 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिहार सिवान जेल से तिहाड़ जेल लाने का आदेश दिया था। मजबूरी है दिखाना, आ जाओ। लेट लिया, जो भी दिखाना चाहिए हम नहीं दिखा। हाँ सर, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी कोट नीचे कर देना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। हाँ बंद कर दूँ? ये Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.